guided by mechanical engineer Deepak Sir. चलिए हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में आप लोगों को मैं शून्यकों की संख्या निकालने के बताऊंगा, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके हैं। तो शून्यकों की संख्या निकालना बहुत ही आसान है, इसको आप लोग क्वेश्चन देख करके आंसर बता सकते हैं। और उसके पहले आप लोग थोड़ा देर आप वेट कर लीजिए, बताऊँगा मैं वो सारे तरीके। लेकिन एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट करूँगा वो उसकी सारी जानकारी आपको मिलते रहेगा। तो आज के डेट में हम ये बताएंगे कि जैसे कोई संख्या का गुना किया जाता है, जैसे आपके पास संख्या है 2 × 3 × 5 × 6, ऐसा आपका संख्या, क्लियर, 2 × 3 × 5 × 6। तो इसमें पूछेगा आपसे प्रश्न कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो शून्यकों का संख्या मीन्स आप इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 10, 10 × 3 = 30, 38 × 6 = 18, तो कितना हो जाएगा, 180, क्लियर, क्लियर है। 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 90, 90 × 2 = 180, क्लियर। तो आप पूछेगा कि इसके में इसमें शून्यकों की संख्या कितना है, तो आपको कितना पता चल रहा है शून्यकों की संख्या कितना है, 0। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना आपको दिख रहा है, 1 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। वैसे ही यदि मैं बात करूं, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5, क्लियर, तो आपसे पूछेगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुना करके निकाल लीजिए, 3 × 6 = 6, 6 × 5 = 30 और 3 × 4 = 12, कितना हो जाएगा, 120। अब 120 में शून्य की संख्या कितना है, कितना आपको दिख रहा है, 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। लेकिन ये क्या है, छोटा संख्या। अब देखिए, हमारे पास प्रश्न है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन 200, मीन्स आप 1 से लेकर के 100 तक गुना करेंगे तो उसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, वही आपको निकालना है। तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुना करना पॉसिबल है, यदि यहाँ तक हम लोग गुना करेंगे तो पूरा एग्ज़ाम का टाइम निकल जाएगा, लेकिन हम लोग आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ, और ट्रिक बताने से थोड़ा बेसिक और मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए आप, जैसे 2 × 5 × 3, उसके बाद 2 × 5 × 5, क्लियर, 2 × 5। अब यहाँ पे आपको शून्य की संख्या निकालना, तो देखिए 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, 3 × 2 = 60, और 60 × 5 कितना हो जाएगा, 300, क्लियर। अब यहाँ पे शून्यकों की संख्या आपको कितना मिल गया, 2 शून्य मिल गया, क्लियर, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10, और 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10, तो आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे 1 शून्य मिल गया और यहाँ पे 1 शून्य मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, 2 शून्य हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी कैलकुलेशन होती है तो उसमें शून्यकों की संख्या किस पे डिपेंड करता है, 10 पे डिपेंड करता है। आप कोई भी गुना ले लीजिए, उसमें शून्यकों की जो संख्या होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, 10 पे डिपेंड करेगा। और 10 बनेगा कैसे वो देखें, 10 बनेगा कैसे, 2 × 5 के मल्टीप्लीकेशन पर बनेगा, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि नंबर ऑफ 2 है और नंबर ऑफ 5 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेगा, 2 बनेगा। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 आपका 3 बार ले लेते हैं, 5 आपका 2 बार ले लेते हैं, क्लियर। तो इसमें बनने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4 होगा, तो आप ऐसा मत कीजिए, 2 × 1 = 1, तो कितना यहाँ पे 2 है, 2, और यहाँ पे कितना है, 1 × 1, कितना हो गया, 2, क्लियर है। तो ऐसे आप कर लीजिए, 5 × 2 = 1, 2 × 5 = 10, तो शून्यों की संख्या कितना हो गया, 2। तो मतलब 5 और 2 का जितना पेयर बनेगा शून्यों की संख्या कितना होगा, उतना ही होगा, क्लियर है। कोई भी इक्वेशन में यदि नंबर ऑफ 5 की संख्या ज़्यादा है और नंबर ऑफ 2 की संख्या कम है, तो जो 5 और 2 का पेयर बनेगा और जिससे आपका 10 मिलेगा, तो डिपेंड किस पे करेगा, मिनिमम नंबर पे। जैसे आपके पास
यहाँ पे कितना दिख रहा था? दो तीन बार दिख रहा था, पांच दो बार दिख रहा था, तो मिनिमम बार कितना बार दिख रहा था? मीन्स मिनिमम कितने बार दिख रहा था? दो बार दिख रहा था, और कौन दिख रहा था? पांच दिख रहा था, क्लियर? तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया? दो शून्य मिल गया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ। अब देखें जैसे एक से लेकर के आप क्या कर रहे हैं, सौ तक मल्टीप्लाई करें तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना है, तो इसका निकालने का तरीका क्या है? कितना है आपको लास्ट वाला टर्म कितना दिख रहा है? सौ। लास्ट वाला टर्म कितना दिख रहा है? सौ। आप क्या करेंगे, सौ में पाँच से डिवाइड करेंगे तो कितना मिला? बीस। ये बीस में क्या करेंगे आप? पाँच से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? चार। उसके बाद जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? चौबीस। अभी चार में आप यदि पाँच से डिवाइड करेंगे तो ये भागा नहीं लगेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? चौबीस, क्लियर है। चलिए उसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो गया एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच गुना छः गुना एंड सो ऑन 250, क्लियर। अब इसमें देखिए लास्ट संख्या कितना है? 50। 50 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना? 10। फिर 10 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा? 2। फिर 2 में 5 से डिवाइड करेंगे नहीं लगेगा, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। तो नंबर ऑफ शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद और देख लेते हैं। चलिए और देखते हैं, एक गुना टू गुना थ्री गुना फोर गुना फाइव गुना छः गुना सात गुना एंड टू ऑन 2000, क्लियर। अब इसमें आपसे पूछेगा कि शून्यकों की संख्या कितना है, तो आपको शून्यकों की संख्या निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। लास्ट टर्म कितना है? 2000। 2000 में 5 से डिवाइड कितना? 400। फिर ये 400 में 5 से डिवाइड कितना हो जाएगा? 80। फिर 80 में 5 से डिवाइड कितना हो जाएगा? 16। फिर 16 में 5 से डिवाइड कितना हो जाएगा? 3। फिर ये 3 में 5 से भागा लगाएंगे तो नहीं लगेगा, सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? 16 3 19 और 80 99, तो कितना हो जाएगा? 499। तो आंसर कितना हो जाएगा? 499। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 499। तो ये काफ़ी आसान है और इसके बहुत सारे टाइप है, तो इसमें और भी बहुत सारे टाइप है, तो नेक्स्ट टाइप मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और आज के लिए आप लोग इतना ही जानिए कि यदि कोई भी संख्या लगातार मल्टीप्लिकेशन में हो, मीन्स प्रथम से लगातार मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उस कंडीशन में बड़े वाले संख्या में 5 से डिवाइड करेंगे, और 5 से डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक का हमारा डिवाइड होना बंद ना हो जाए, क्लियर है। और 5 से ही डिवाइड क्यों करते हैं इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच गुना छः गुना सात गुना आठ गुना नौ गुना दस। सपोज आपको एक से लेकर के 10 तक का मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में दिया हो। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टू निकालिए, एक मिल गया आपको, फिर यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और उसके बाद यानी यहाँ, क्लियर। तो नंबर ऑफ दो कितना बार मिल गया? एक दो तीन चार पाँच बार, क्लियर है। नंबर ऑफ पाँच कितना मिला? एक उसके बाद दो। तो नंबर ऑफ पाँच कितना मिला? दो। और नंबर ऑफ दो कितना मिला? एक दो तीन चार पाँच, क्लियर है। आपको इतना जगह दो का टर्म मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिला, यहाँ पे दो कितना मिलेगा? दो के पावर तीन, क्लियर है। यहाँ पे आपको दो कितना मिला? एक। और यहाँ पे आपका दो का पावर कितना मिला? दो के पावर दो। और यहाँ पे आपको दो कितना मिला? अच्छा एक मिला, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए तीन का सॉरी दो का पावर तीन, मतलब दो कितना बार मिला? तीन बार मिला, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे दो बार और यहाँ पे एक बार। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि दो की संख्या इसमें ज़्यादा है। हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि दो की संख्या इस सीरीज में ज़्यादा है और पाँच की संख्या इस सीरीज में कम है। तो नंबर ऑफ जो जीरोज बनता है वो किस पर बनता है? जिसकी संख्या कम हो उसी के बेसिस पर बनता है। जैसे आपका दो है तीन बार और पाँच है दो बार, तो नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करेगा? जो कम रहेगा,
तो कम कौन है, पाँच है कम, तो हम लोग क्या करेंगे, कम वाले से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 5 गुना 2, उसके बाद 5 गुना 2, तो यहाँ पे 1 शून्य मिल गया, यहाँ पे 1 शून्य मिल गया, यहाँ पे 1 शून्य, यहाँ पे 1 शून्य, और ये तो आपका ऐसे ही कैंसिल होगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, जिसकी संख्या सबसे कम हो, मीन्स 5 और 2 का ही आपको देखना है, बाकी में नहीं देखना। तो 5 और 2 में जिसकी संख्या कम रहेगा उसी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो ये डेप्थ की चीज़ है, ये ज़्यादा नॉलेज मतलब आपको नहीं लगाना है, बस सिंपल ट्रिक। यदि संख्या लगातार है तो उसमें आपको क्या करना है, लास्ट टर्म में 5 से डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा भागा न लगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टाइप के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा जो भी वीडियो आएगी आपको अपडेट मिलते रहेगी। चलिए।